आपका फिर स्वागत है। सोचें सोचना जरूरी के दूसरे पार्ट में अब है गपशप और खुलासा। पहले राजनीति और राजकाज की गपशप है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों में चुनाव के बाद नेता और नेता विपक्ष का संकट खड़ा हो गया है। हिमाचल प्रदेश में निवर्तमान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पार्टी चुनाव हार गई है और भावी मुख्यमंत्री खुद चुनाव हार गए। सो अब भाजपा को मुख्यमंत्री के लिए नए नेता का चुनाव करना है तो कांग्रेस को नए नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करना है। हिमाचल में भी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर के नाम की चर्चा चल रही है। पार्टी के एक और विधायक सुरेश भारद्वाज भी चर्चा में हैं। अगर नड्डा मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके लिए एक सीट खाली करानी होगी और उपचुनाव कराना होगा। तभी कई जानकार किसी विधायक को ही मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। उधर गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी चुनाव जीत गए और पार्टी भी जीत गई, पर जीत ऐसी नहीं है कि उनको इसका श्रेय दिया जाए। सो गुजरात में भी नए मुख्यमंत्री की चर्चा है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से लेकर नितिन पटेल और दूसरी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तक के नाम की चर्चा हो रही है। दूसरी ओर कांग्रेस के सामने नेता प्रतिपक्ष का संकट है। उधर अगर शक्ति सिंह गोहिल जीतते तो नेता प्रतिपक्ष के सबसे प्रबल दावेदार होते, पर गोहिल चुनाव हार गए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया, सिद्धार्थ पटेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री तुषार चौधरी भी चुनाव हार गए। सो अब राहुल के करीबी माने जाने वाले परेश धनानी के नेता प्रतिपक्ष बनने की चर्चा है। गुजरात में भाजपा की सीटें बढ़ने का असर मार्च में होने वाले राज्यसभा चुनाव पर भी दिखेगा। राज्य से रिटायर हो रहे राज्यसभा के भाजपा के चार में से सिर्फ दो ही सांसद फिर से चुने जाएंगे। दो सीटें कांग्रेस की झोली में जाएंगी। गुजरात में तीन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुख भाई मंडाविया रिटायर हो रहे हैं। इनके अलावा चौथी सीट एन शंकर भाई वेगड़ की है। एक सीट के लिए 37 वोट की जरूरत है। कांग्रेस की अपनी सीटें 77 हैं। वह अपने दम पर दोनों सीटें जीत सकती है। 2020 में भी कांग्रेस को एक ही सीट का फायदा होगा क्योंकि उस समय एक सीट उसकी खाली हो रही होगी। पार्टी महासचिव मधुसूदन मिस्त्री 2020 में रिटायर होंगे। बहरहाल अब सवाल है कि रिटायर हो रहे चार लोगों में से तीन मंत्री हैं। इनमें से पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुख भाई मंडाविया दोनों पटेल हैं और दोनों के समर्थक उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चलाए हुए हैं। पर अगर वे मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको मंत्री बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें फिर से राज्यसभा में लाना होगा। जेटली का भी राज्यसभा में आना लाजिमी है। सो अगर पार्टी वेगड़ को फिर से राज्यसभा में नहीं लाती है तब भी किसी एक सांसद को दूसरे राज्य से राज्यसभा में लाना होगा। आप देख रहे हैं सोचें सोचना जरूरी है। अब है खुलासा। ताजा सुर्खियों में और बहस में जिस बात ने आपको भड़काया है या कंफ्यूज किया है उसका मतलब क्या है और ओढ़ छोर क्या, इसे समझने के लिए अब देखें आज का खुलासा। इसमें कोई संदेह नहीं कि गुजरात का चुनाव देश को प्रभावित करने वाला था और उसके नतीजे का असर भी देश की राजनीति पर होगा। कांग्रेस और भाजपा दोनों को इस नतीजे से सबक लेकर आगे की रणनीति बनानी होगी। उनके साथ साथ तमाम प्रादेशिक क्षत्रपों को भी सोचना होगा कि अब आगे उनको कैसी राजनीति करनी है। अगर भाजपा को चुनौती देनी है तो विपक्ष को साझेदारी बनानी होगी और अगर भाजपा को अपनी सत्ता बनाए रखनी है तो संगठन की मजबूती के साथ साथ सरकार के फैसलों पर ध्यान देना होगा। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भले ये दावा करें कि लोगों ने जीएसटी पर मुहर लगाई है, हकीकत ये भी है कि सरकार के कामकाज से नाराज लोगों ने ही कांग्रेस को अच्छी बढ़त दिलाई है। भाजपा अपने संगठन की ताकत से अपने कोर वोट को बचाने में कामयाब रही, पर हर जगह ऐसा नहीं हो सकता है। विपक्ष की कई पार्टियों ने प्रतीकात्मक रूप से ही चुनाव लड़ा था, पर उन्होंने कांग्रेस का नुकसान कर दिया है। गुजरात के चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके नेतृत्व में बनने वाले संभावित गठबंधन के लिहाज से बेहद अहम है। ये अब लगभग तय है कि राहुल गांधी विपक्ष की धुरी बनेंगे, पर कितनी विपक्षी पार्टियां इस धुरी पर होने वाली राजनीति का हिस्सा बनेंगे इससे आगे की राजनीति तय होगी। एक तरफ कांग्रेस इन नतीजों के दम पर महागठबंधन बनाने की उम्मीद कर रही है तो दूसरी ओर इसमें बिखराव भी पहले दिन से दिखने लगा है। विपक्षी गठबंधन का हमेशा एक मजबूत हिस्सा रहे लेफ्ट में कांग्रेस को लेकर सद्भाव नहीं बना है। सीपीएम पोलित ब्यूरो ने इन नतीजों के आधार पर कांग्रेस की मजबूती की चर्चाओं को खारिज कर दिया है। कांग्रेस
कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजद आदि पार्टियों ने राहुल गांधी की तारीफ की है। सबने ये माना है कि राहुल ने इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कड़ी टक्कर दी। इससे उम्मीद है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। आम आदमी पार्टी को लेकर खुद कांग्रेस में सद्भाव नहीं बन पाया है क्योंकि कांग्रेस नेता मान रहे हैं कि गुजरात में कई सीटें आपने हरवाई हैं, सो आप बसपा और लेफ्ट का अलग स्टैंड दिख रहा है। दूसरी ओर भाजपा के लिए आगे के चुनावों में नई रणनीति पर सोचने का समय आ गया है। पार्टी के साथ साथ सरकार को भी सोचना है कि उसे सुधार के सख्त फैसले करने हैं या नहीं। शुरुआत के 3.5 साल में प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने सुधार के कई सख्त फैसले किए। उनको इन फैसलों के बारे में आत्मचिंतन करने की जरूरत है। भाजपा कह सकती है कि नोटबंदी का फायदा उसे उत्तर प्रदेश में हुआ और जीएसटी के फैसले पर गुजरात के लोगों ने मुहर लगा दी है, पर असलियत भाजपा को पता है, सो उसे सुधार के फैसलों पर विचार करना है और साथ ही ये भी सोचना है कि लोक लुभावन फैसले किस हद तक किए जाएं। भाजपा के पास एक मजबूत गठबंधन पहले से है, उसे नए साथियों की जरूरत नहीं है, उसका संगठन भी मजबूत है। उसके सामने सिर्फ एक चुनौती है, एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने की। वो लोक लुभावन फैसलों से हो सकता है, राज्यों में नेतृत्व बदलने से हो सकता है और विधायकों सांसदों की टिकट काटकर हो सकता है। गुजरात के चुनाव नतीजों से देश का राजनीतिक विमर्श बदला है और कांग्रेस व राहुल गांधी को लेकर पिछले 5 साल से चल रहा नैरेटिव भी बदल गया है। धारणा के स्तर पर कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। राहुल को पप्पू मानने वालों की बोलती बंद हो गई है। मोदी नाम केवलम का जाप करने और अमित शाह को भारतीय राजनीति का चाणक्य कहने वाले भी सोचने पर मजबूर हुए हैं। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले मोदी और शाह अपने गृह राज्य को भी कांग्रेस मुक्त नहीं बना पाए हैं। धारणा के स्तर पर कांग्रेस मुकाबले में आ गई है। धारणा के स्तर पर आया ये बदलाव लोगों का मूड बदल सकता है। भाजपा का प्रयास इस बदलाव को ने का होगा तो कांग्रेस को इसकी गति बढ़ाने का प्रयास करना है। भाजपा को स्थापित करना है कि कांग्रेस मुकाबले में नहीं है और कांग्रेस को ये साबित करना है कि वो मुकाबले में आ गई है और वही विकल्प है। अगले 1.25 साल राजनीति का विमर्श यही रहने वाला है। YouTube पर नया इंडिया TV की इस चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वहाँ जो घंटी बनी हुई है उसे दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।